शॉक में है ना, अपना 100% दे दीजिए। आप डिजास्टर में है 100% हो अपना। आप कभी ऐसी अपेक्षा मत करो मुझे क्या मिलेगा, 100% दो अपना। अपनी एनर्जी को उस बॉडी पे ट्रांसफर करो, उस बॉडी को जब टच करते हो तो इस भावना से टच करो कि पूरी की पूरी मेरी ऊर्जा इसको ठीक करने के लिए 100%। ये मत लगे कि मैं जल्दी में हूं, मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, मुझे निकलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं, नथिंग दैट। उसको लगना चाहिए कि आप उसके लिए वहां पर है, ये तो हो सकता है और किसी भी फेज में हो सकता है और होना चाहिए। गिव 100% जहां भी हो आप। जब घर में हो पुलिस के बारे में मत सोचो, ड्यूटी के बारे में मत सोचो, जब ड्यूटी में हो परिवार के बारे में मत सोचो। अब वर्कशॉप में हो वो सिर्फ वर्कशॉप की बात सोचो, जहां भी जिस भी स्थिति में हो गिव योर 100% और नेक्स्ट हेल्प सोसाइटी, समाज की सहायता करें, समाज की सहायता करें। आप और मैं यहां पर क्यों है, क्यों है? ताकि हम समाज को बेहतर निर्माण कर सके, समाज का, इस समाज को कुछ बेहतर दे सके। और हमें एक व्यक्ति के रूप में तलाश भी बेहतर करनी है। आपको अगर फ्रेंडशिप करनी हो क्या चाहोगे आप, अच्छा भी मिले बुरा भी मिले, अच्छा चाहोगे ना? जब मार्केट में जाओगे आप एप्पल लेने के लिए कैसे लेके आओगे? क्या आपको अच्छे व्यक्ति की पहचान है? क्या आपको अच्छे व्यक्ति की पहचान है? वो रोजाना अगर उससे कोई बोला तो पता, जो आपके नजदीक आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं ना उनको आप पहचान सकते हैं, क्योंकि डेली हैबिट सेम, एक्टिविटी सेम, डायलॉग सेम, क्योंकि सब कुछ पहचान सकते हैं। फिर आप एक गैप कर लेंगे, अच्छा ये आदमी मेरे नजदीक रहेगा, ये दूर रहेगा, इससे सिर्फ काम करना है शुरू हुआ, ऐसा करो आपके लिए इजी रहेगा काम करना। अपने आप को इस जोन में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं और ये सोचें कि मुझे समाज की सहायता करनी है, मैं समाज के लिए हूँ 100% मान के चलिए। दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हुए ना वो वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने समाज के लिए सोचा है। महात्मा गांधी अफ्रीका में गए, डिग्री ली थी, बैरिस्टर बन के आए, वहां से कामयाब नहीं हुए, फिर क्या करूँगा, समाज की सेवा करो, तब समाज के बीच में आए और राष्ट्रपिता बन गए। जरूरी है हम समाज के लिए सोचें, समाज के लिए करें। और डिजास्टर में तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो सचमुच इतनी बड़ी आपदा को झेल रहे होंगे, उनके पेरेंट्स उनके साथ होंगे, उनको राधाश्रम में भेजिए, अपने अपने थाने में रखिए, उनकी व्यवस्था कीजिए। इसके अलावा एक वर्ड है क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का वातावरण, वो बनाइए, लिखिए इसको, विश्वास का वातावरण। एक आदमी घायल है, खून बह रहा है उसका, उसको विश्वास दिलाइए, क्या उसका ये मेरा फ्रेंड रोहित कम टू मी, उसे विश्वास दिलाइए कि मैं तेरे साथ चिंता नहीं कर रहा। मान लीजिए रोहित के हाथ में अभी कुछ घुस गया, यहां पर मैं इसको निकाल दूं या नहीं निकाल दूं? एक कांच घुस गया इसके हाथ में, डिजास्टर में अभी एक बिल्डिंग नीचे गिरी और कांच इसके हाथ में ऐसे है, ये कांच है, कांच मानो इसको, निकालो या ना निकालो? क्यों, क्या दिक्कत है? इसको यही मान दे, कपड़ा लेके यही फिक्स कर दे, इसको बोलते हैं ZBA, क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड एक्टिविटी, इस पार्टी को एक्टिविटी करनी चाहिए। अब ये जो आपने किया ना उसको विश्वास हो जाएगा पेशेंट को कि हाँ बंदा ठीक है। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट का मतलब है उसके और अपने रिश्ते को इतना मजबूत करना कि उसे विश्वास लगे कि हाँ बंदा ठीक है भाई, जो मर्जी चाहे पुलिस के ड्रेस में है, इंसान बढ़िया है भाई। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, यस। कुछ चीजें ऐसे भी होगी, अब मान लीजिए उसकी आंख पे कुछ लगा है, क्या करेंगे आप? आपको कुछ लगा हुआ है साफ करेंगे? नहीं, उसको कुछ लगा है तो उस पे अगर मामला बाहर निकल गई है तो उस डिजास्टर में कुछ आपको अच्छी जानकारी है, ग्लास है सर, ग्लास प्लास्टिक का होता है, उसमें अंदर कुछ रुई लेके उसको पानी भिगो के डाल के उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में आयरन पैड है,
फिर बुक्स का ही बैठा उसको आँख पे रख के और ऐसे बांध लें बस बाकी काम डॉक्टर का है आपका काम नहीं। बहुत बार होता क्या है कि उसका सर फट गया खोपड़ी में यहाँ उसको ब्रीविंग हो रही है तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में डिजास्टर जब काम करोगे एक बैंडेज जिसका नाम है ट्रायंगल बैंडेज क्या होता है इसे पहले देखिए जी अब वेरी गुड इसको कहते हैं त्रिकोणीय पट्टी त्रिभुज के आकार की होती है त्रिभुज ट्रायंगल बैंडेज छोटे हिस्से को माथे में रखते हुए बहुत बार खड़ा बोल रहे कोई बात नहीं यहां बांध देंगे ठीक है इसको ऐसे बांध के अपना आप इसको आप आगे भी बांध सकते हैं पीछे भी बांध छोड़ के बड़े बैठ ठीक है पूरी हाँ आगे बांध पूरी बॉडी को तीन हिस्सों में बांट लें ये पहला पार्ट है ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है कभी भी फर्स्ट पार्ट की ब्लीडिंग को नहीं रोकना फर्स्ट पार्ट का मतलब ये है कभी भी डिजास्टर में कितनी बॉडी आपके सामने हो फर्स्ट पार्ट की ब्लीडिंग को नहीं रोकना सेकंड पार्ट की ब्लीडिंग को दो तरीकों से रोक सकते हैं पहला तरीका उस भाग को ऊपर कर दें ऐसे खून रुक जाएगा या कोई हाथ में कोई चीज लेके उसको दबा दें उससे खून रुक जाएगा कभी भी किसी की बॉडी को नंगी हाथों से ना छुए बॉडी के जो लिक्विड है उनमें वायरस होते हैं इसलिए ध्यान रखें जब भी किसी बॉडी को टच करें अब कई बार क्या होता है कि अब कोई बिल्डिंग गिरी तो बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर क्या होता है हड्डी का फ्रैक्चर हड्डी को वहीं वहीं बांध दें ट्रायंगल बैंडेज थी ना जिसको मैंने क्या किया ट्रायंगल बैंडेज को मोड़ा और मुझे लगा डिजास्टर में काम करते हुए कि रोहित की बाजू पे चोट है ठीक है इसको मुझे जेड बी ए करना है जीरो बेस्ड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये देखिए मैंने वही बैंडेज थी ना इस बैंडेज को मैंने प्रयोग किया जबड़ा टूट गया है इसी पट्टी जबड़े में बांध दो ताकि यहां से ब्लीडिंग ना हो माथा टूट गया माथे में बांध दो जो आपके दिमाग में आया डू दैट सिर्फ ट्रस्ट ट्रस्ट दिल से प्यार करो उस बॉडी को और ठीक करो जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा ना वो आपको याद करेगा हाँ उस बंदे ने मुझे बचाया और ये बंदा यहीं मर जाएगा अगर आपने उसकी हेल्प नहीं की क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट है बना के रखें नेक्स्ट लिखिए वर्किंग पोजीशन वर्किंग पोजीशन आर यू ओके वर्किंग पोजीशन आप ही काम करने स्थिति कैसे होनी चाहिए आप खुद बैठेंगे या घायल को बिठाएंगे यस सर आप खुद बैठेंगे घायल को बिठाएंगे घायल को बिठाएंगे ठीक है ना उसे पट्टी पुट्टी बांधनी है बातचीत करनी है उसके साथ उसका खून रोकना है उसे बिठाई काम चाहिए खुद भी बीच में रेस्ट कीजिए आपके लिए जरूरी रेस्ट करना वर्किंग पोजीशन ठीक है और नेक्स्ट पे चलिए मीट देम चीयरफुली उससे मिलना है ना मुस्कुरा के मिलता है अच्छा होगा बुरा होगा मुस्कुरा पाएगा आपके साथ वो डिजास्टर में आराम हासिल है मुस्कुरा के चीयरफुली क्या होता है स्माइल स्माइल क्या कहती है एक बच्चा रो रहा है क्या कहना चाहता है बच्चा रो रहा है बच्चा क्या कह रहा है उसको बुलाओ प्यार से बोलो उसे क्या चाहिए एक बच्चा रो रहा है उसे क्या चाहिए मेरा से छोटा बच्चा रो रहा है मम्मी के पास रो रहा है उसे क्या चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए दूध चाहिए उसे उसे फीड चाहिए बच्चे जब पेरेंट्स के साथ होते हैं बड़े खुश होते हैं मैं बहुत बार देखता हूँ पेरेंट्स ना अपने बच्चों को उछालते हैं और पेरेंट्स बच्चे हंसते हैं डरते क्यों नहीं बच्चे डरना चाहिए बच्चों को तो विश्वास है सबसे बस ये विश्वास है डिजास्टर को
उसको विश्वास हो गया ना, तेरा पट्टी जैसी मर्जी बांध दो, खून जैसे मर्जी रोक दो, सब ठीक है, विश्वास हो जाए उस बच्चे को, विश्वास है पापा खड़े हैं तो मेरे को बचा लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, प्रॉब्लम जी विश्वास प्राइवेट ऑफ कर विश्वास का बात अच्छा भी तक चेयरफुली मुस्कुरा के मिले। मुस्कुराहट क्या होती है वास्तव में? मुस्कुराहट क्या होती है? कुछ कहती है मुस्कुराहट, एक पैसे जो होता है खुशी फील करेगी। हाँ, मुझे लगा कि ये जो लड़का है ये बैठा है कभी मुस्कुराता है जैसा मुझे लगा, बॉडी लैंग्वेज आगे चले लिखिए, बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा ये क्या होती है? कुछ होता है जी बॉडी लैंग्वेज की कुछ चीज होती है डिजास्टर में? मैंने रोहित से शेक हैंड किया, इसके मैंने कंधे पे हाथ रखा, इसके मैंने सर पे हाथ रखा, कुछ मैसेज गया? व्हाट 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 टेल मी जी। अच्छा हो गया। क्या अच्छा गया? सहयोग की भावना है। सहयोग की भावना है, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन, हेल्पिंग, उसको पता है मेरे को यहां से हेल्प मिले। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी हो कि उसमें सही कोई दिखावा ना हो, कहीं स्टार ना हो, कहीं कुछ ना हो। मैं अभी केरल में जब काम फ्लड में, तो जो डीसी है ना डीसी वो सामान्य काम कर रहा था, मुझे बात पता लगी डीसी है, तो मेरे टेंट में रहता है डीसी है, पता नहीं तो मुझे डीसी है, इतना सिंपल आदमी। एक इंसान की पोस्ट का कोई अर्थ नहीं है, रैंक कोई अर्थ नहीं है, उसका बेहतर इंसान होना बहुत जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखे आप मुस्कुराते रहे और उसे अच्छा लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, ऐसा दिमाग जो समस्या का हल निकाल सके, जो समस्या का हल निकाल सके, ऐसा दिमाग होता है जी। दो बच्चों ने लव मैरिज करी और दो महीने को लगा शादी गलत हो गया, कौंसलर के पास कौंसलर समझा रहा है, कहां गड़बड़ हुई, कहां गड़बड़ हुई? दो ही महीने में कहां गड़बड़ हुई? विचारों से, विचार टकराए और जी पर जोर से बोली, कौन बोल रहा पता लगा मुझे, समस्या का समाधान नहीं कर पाए, समस्या का वो समाधान नहीं कर पाए। कई बार लोग कहते हैं कि जब पत्नी बोल रही हो तो पति को छुपाना चाहिए, और पति बोल रहा हो तो इससे क्या होता है? समस्या होती है इससे, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। एक बार एक आदमी को अफ्रीका में भेजा गया, आपको जाना है वहां पर एक सर्वे करना है, और ये जो सूज की फैक्ट्री हमने लगानी है वहां पर, क्या लग सकते हैं वहां पर? वो आदमी गया वहां पर, फाइल पर लिखा नो, लोग यहाँ पर जूते नहीं पहनते, लोग जंगली हैं, यहाँ जूते की मार्केट भी नहीं है, वापिस आ गया। फिर एक आदमी और गया, उसे लिखा यस, यहाँ तो जूते बेचे जा सकते हैं, लोगों को बताएंगे आपको सांप काट लेगा, जूते पहनिए, जंगल में आप काम करते हैं। दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क है? एक की पॉजिटिविटी एक की नेगेटिविटी है, इतना फर्क है। काम तो करना ही है भाई, रोकी करो या आस्ते करो। डिजास्टर में जब काम करना है आप बम ब्लास्ट की बॉडी को डील कर रहे हो, साइकोलॉजी से बात करो, कुछ नहीं भाई सब ठीक है, डॉक्टर के पास जाएगा। अगर डिजास्टर में किसी आदमी का हाथ कट गया फिर आप क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे? बिल्डिंग गिरी, खड़े और रोहित का हाथ कट गया। आपने तो हर व्यक्ति को ध्यान देना है, पॉपुलेशन जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या हो, लेकिन आपके लिए हर व्यक्ति का हाथ तो कट चुका है भाई, हाथ तो बताओ, खड़े होकर बताओ, उससे तो क्या होगा, उससे ब्लीडिंग हो जाएगी। ये आपने खून को रोक दिया, हाथ ऊपर कर दिया ना उसका, ब्लीडिंग को रोक दिया आपने, हाथ क्या हाथ का
उस हाथ को एक पट्टी में, एक पन्नी में बांधिए, 24 आवर 24 घंटे आपकी बॉडी के पार्ट्स जिंदा रहते हैं। जाएगा ना उसको जोड़ देगा। फिर आपने क्या करना है, एक साफ पन्नी में जिसका जिसका पार्ट है, ये नहीं कोई पार्ट मिक्स कर दो ऐसे नहीं, और बहुत लोग हो गए वो जैसे वो नींग का नींग रात का डाला तो एक धारदार का डाला पंजाब में, और उसका हाथ ऐसे ये कलाई उसके ऐसे जोड़ दी डॉक्टर ने। हाँ, विद इन 24 आवर्स आपकी बॉडी का पार्ट जिंदा रहता है और फिर आपको चलिए आतंकवाद अटैक वार में लोग मरते हैं, और आतंकवाद को खासकर जब आप डील करेंगे तो मुझे लगता है पावर और लॉ कानून भी जरूरी है। डिजास्टर में काम करने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक बेहतर इंसान होना चाहिए जो संवेदनाओं को समझे, थॉट पॉजिटिव हो, इमोशन पॉजिटिव हो, रिएक्शन तो पॉजिटिव हो। क्या आपका रिएक्शन संतुष्ट है या नहीं है इससे भी निर्भर करता है कि सामने वाले को जवाब दे रहा हूँ। कई बार लोग बोलते लोगों को मैं तेरे साथ, लोग मानते कि तुम्हारे साथ है, ऐसा कैसे होता हूँ कह रहे हैं लोग मैं आपके साथ चिंता मत करो, लोग मानते नहीं, ऐसा क्यों ऐसा होता होगा? विश्वास कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं, सारा मामला ट्रस्ट का है। इसलिए इन सिद्धांतों को आप है कि रोहित क्राउड जो है, क्राउड भीड़, भीड़ जब भी बिहेव करती है क्या एलिमेंट्स रहते होंगे बिहेव कैसे, मतलब भीड़ बिहेव करती है? आप लोग तो बहुत सारे लोग आंसू गैस छोड़ते हैं, डंडे मारते हैं, पब्लिक को भगाते हैं, कैसा बिहेव रहता है पब्लिक, क्यों करते, क्या चीजें रहती है, क्या एलिमेंट रहते हैं बिहेवियर? अग्रेसिव होना, अग्रेसिव होगी एक बात, और भीड़ का अपना मकसद पूरा करना है, भीड़ को अपना मकसद पूरा करना है। ओके, बिल्कुल सही है, उनको मकसद होता है हमें पार्लियामेंट में एंट्री करनी है या सीएम से मिलना, जो भी उद्देश्य, अग्रेसिव बिहेव और उद्देश्य है। वेरी गुड, वैसे मुझे आज अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। चलिए तीन और बताइए, नंबर तीन बताइए। हाँ, नंबर तीन बताइए। नुकसान पहुंचाएंगे सर, वो किसी की जान माल को भी नुकसान पहुंचा, सरकारी संपत्ति का नुकसान। हाँ, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सरकारी संपत्ति को अपने मानते हैं। पहला बताया नंबर एक अग्रेशन होता है, नंबर दो बताया उद्देश्य होता है, नंबर तीन वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और बताइए, दबाव प्रेशर मेथड, दबाव बना रहे हैं अपनी मांग को, और हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। और बस एक बात और बची है जी, लंच करो, बढ़िया काम कर रहे हो, क्या दिक्कत होगी, अब अच्छा काम कर रहे हो, सही समझ रहे हैं, लंच के बाद ना आपकी एनर्जी बैटरी चार्ज हो गई, सही काम कर रहे हो, अब अच्छा रहा है। ओके ओके, चलिए कैसे रीड करेंगे रीड को, आगे वाला जो व्यक्ति है जो नारे लगा रहा है उससे बात करने की कोशिश करें, उसको उसको कंपेल करने की कोशिश करें, उसको साइड में लेके जाए और कार में बोले उसकी तेरी फैमिली ना लोकअप में है, वो बड़ा अपसेट हो जाएगा, बोल सकते हैं सर? नहीं बोल सकते, क्या करें, उसको कैसे सेट करें? डिजास्टर में है, अपराध होने बची हुई है, आंदोलन हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है सड़क के ऊपर, क्या करें? उसका विश्वास जिताएंगे सर, कैसे? क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, कैसे अपने में लेंगे, अपनी बातों में लेंगे, आपकी बात आगे उसे प्रॉमिस करेंगे, सर यहाँ पर कानून में जारी रहेगा, जो वेस्टर्न पुलिस यूज करते हैं बैलेंस थ्योरी, बैलेंस थ्योरी का दोनों काम करने पड़ेंगे, एक हाथ में आग एक हाथ में पानी, जो वो अलग है ना वही बैलेंस थ्योरी, नोट करिए इसको,
अगर आपको प्रॉमिस से मानता भी आपका जो पेपर है वो चालू हुआ सरकार के पास आपकी बात करवा दूंगा यहाँ सर तो ठीक है लेकिन जो सर राजेश का पक्ष भी बहुत बढ़िया क्राउड मैनेजमेंट को आप कर सकते हैं सर जी बॉम ब्लास्ट में तो आप फर्स्ट एड में एम्बुलेंस को फोन करें ठीक है और फायर में पता लग गया होगा आपको अच्छा आपके यहाँ ना फार्मूला है मुझे पता नहीं क्या नाम है उसका हमारे रूल 9 बोलते हैं उस डॉक्टर हम लोग तो पोस्टमार्टम करते हैं ना तो बताते हैं कि बॉडी जली छाप क्या भी होता है ऐसा किसकी बॉडी में बर्निंग कितने परसेंट है कैसे डिसाइड करते हो आप लोग आपने क्या किया अगर आपको जानकारी होगी तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी क्या है अगर इसके पता चली है और अगर ये पार्ट ज्यादा हो ना ये 70% के आसपास उसके बचने के चांसेस आदमी जिंदा कैसे रहता है जब उसके माइंड में चीजें पहुंचती है आदमी मरता कब है हार्ट अटैक में सिर्फ पहुंचती नहीं माइंड में डेड तो जाने डिजास्टर में सबसे पहले काम करने के जरूरी है नो योर वर्क अपने काम को जाने आपका काम क्या है यस यस हाफ पेज आपके लिए लिखना है आपको नो योर वर्क अपने काम को जाने आपके पास है रोहित ओके नो योर वर्क अपने काम को जाने आपको पता है जब डिजास्टर फ्लड आएगी तो क्या करना है आपको फायर में कुछ अलग करना है क्राउड में कुछ और करना है भीड़ में जब बम ब्लास्ट होगा कुछ और करना है तो सबसे पहले अपने माइंड में डिजास्टर में ध्यान कर लें कि नो योर वर्क अपने काम को जाने काम को जानने का तरीका यही है कि आपको ये बताओ किस डिजास्टर में क्या करना है फायर लगी है तो आग बुझा दें बम में भी जो फ्लड आई है तो ऊंचे स्थान पर लेके जाएं क्राउड हो गई है भीड़ ज्यादा है तो लाइनें बढ़वाएं आपको पहला काम क्या करना है नो योर वर्क कि डिजास्टर कैसा है और मुझे क्या करना है ये जान लेना चाहिए ये बहुत बढ़िया रहेगा दूसरा अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपनी संवेदनाओं को समझें अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपनी संवेदनाओं को समझें इसका अर्थ क्या भी इसका अर्थ आप तो डिस्टर्ब हो है ना तो आप फिर काम नहीं कर पाओगे हाँ अंडरस्टैंड इमोशन मान लो आपको रोना आता है तो मत रोए आप खून देखिए आपको चक्कर आता है अपनी कमजोरियां भी डिजास्टर में जाने से पहले देख लें आपकी इमोशन क्या है आप कैसे व्यक्ति आप कठोर व्यक्ति है क्या आपके अंदर दया है क्या आप जल्दी रो पड़ते हैं क्या आप दिखावा करते हैं क्या आप बनावटी है क्या आप सजावटी है क्या आपको पेट्रोल दिखानी होती है क्या या आप एक बल्ब की तरह काम करते हैं अंडरस्टैंड योर इमोशंस अपने इमोशन को अपनी संवेदना को समझें नंबर 3 पॉजिटिव लैंग्वेज लैंग्वेज सकारात्मक भाषा आप डिजास्टर के किसी भी फेज में काम कर रहे हो आप इंडिकेशन कर रहे हो प्रिपेयरनेस में हूं आप रिस्पॉन्स में हूं आप रिकवरी में हो सब जगह आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव लैंग्वेज व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज अच्छी भाषा होनी चाहिए अच्छी भाषा होनी चाहिए एक पत्नी अपने पति से लड़ रही है पति कहता है फिर उसको रह गया है कहते हाँ झूके
ये भी नहीं है, बस बात खत्म हो गई। क्या किया पति ने? पति ने जो थॉट प्रोसेस था ना उसको ब्रेक कर दिया। पॉजिटिव लैंग्वेज यही करती है, जब एक आदमी दुख में होता है ना उसे आप सहारा देते हो, उससे बात करते हो, उसे शेक हैंड करते हो, उसको टच करते हो, उसके बालों में हाथ फेरते हो, कंधे का हाथ रखते हो, उसे शेक हैंड करते हो। देयर इज नो क्वेश्चन मेल फीमेल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आजकल मेल से फीमेल को दिक्कत क्या है? आदमी दिक्कत है क्या? सर पे हाथ रखने में दिक्कत है क्या? कंधे छूने में दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत नहीं। आप लैंग्वेज, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसकी मैंने बात की, कंधे पे हाथ रखना, सर पे हाथ रखना, रोसला देना, ये बॉडी लैंग्वेज है। वर्बल लैंग्वेज की बात करेंगे, आप अच्छे शब्द बोले, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ यहाँ पर, आप ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव लैंग्वेज।